पुलिस के द्वारा कोई मादक पदार्थों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, क्या मामला है श्रीमान? जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने विशेष अभियान मादक पदार्थों के संबंध में यहाँ चलाया हुआ है, उसी में आज एक बड़ी कार्रवाई कोतवाली पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें दो आरोपियों को गांजे के साथ पकड़ा गया है, जिसमें से एक आरोपी बैजनाथ समाधिया, इससे लगभग 4 किलो 900 ग्राम, और दूसरा आरोपी है निर्मल जैन, उससे लगभग 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। मादक पदार्थों की रोकथाम और धरपकड़ में अशोकनगर कोतवाली पुलिस को नई नई सफलताएं मिल रही हैं। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह कंवर, SDOP श्री विवेक शर्मा के निर्देशन और कोतवाली TI श्री नरेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से मादक पदार्थों के आपराधिक धंधे में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ मुहिम निरंतर चल रही है। इसी क्रम में शुक्रवार और शनिवार कोतवाली पुलिस टीम ने गांजे के 2 शातिर सौदागर अलग अलग स्थानों से घेराबंदी कर हिरासत में लिए थे, जिनके कब्जे से पुलिस को 4 किलो 900 ग्राम गांजा कीमत करीब 1 लाख रुपए बरामद करने में अहम सफलता मिली है। सूचना मिलने पर TI श्री नरेंद्र त्रिपाठी के निर्देश पर पुलिस टीम बताए स्थान की ओर रवाना हुई। रात लगभग 11 बजे आरोपी रामकिशन को 4 किलो गांजे के साथ शहर के ईशागढ़ रोड स्थित पड़रिया पुलिया के पास से घेराबंदी कर पकड़ा गया। इसी क्रम में अगले दिन शनिवार को गांजा खपाने आया निर्मल पुत्र विजय जैन, उम्र 30 वर्ष, को 900 ग्राम गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मामले को विवेचना में लिया गया। इसके साथ ही गांजा तस्करों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों की तत्परतापूर्ण कार्यवाही को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। ये दोनों ही आरोपी शिवपुरी जिले के रहने वाले थे और शिवपुरी से आके अशोकनगर में गांजे को खपाने के प्रयास में थे, जिस पर से जो मुखबिर की सूचना कोतवाली TI नरेंद्र त्रिपाठी जी को मिली थी, उस पर उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और निर्देशानुसार शीघ्र कार्रवाई करते हुए ये उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई। सर, ये हिरासत में आए जो दोनों आरोपी हैं, इनके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? जहाँ के वो रहने वाले हैं, संबंधित थाना और जिले में पुलिस संबंध में जानकारी के लिए पत्र भेजा गया है, और अगर उनसे इस संबंध में उनके और भी मुकदमे होते हैं तो और भी कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी वो कहाँ से लेकर आए हैं, इस संबंध में अभी पूछताछ चल रही है, यदि और जानकारी मिलेगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।